छोटे ठाकुर, लाली आपसे कुछ बात करनी थी। हमको भी कुछ कहना है। अच्छा ठीक है, पहले आप बोलिए, उसके बाद हम बोलेंगे। लाली का है कि कहो, बोलिए ना। नहीं, तुम पहले कहो। पहले आप जल्दी से बोल लीजिए, उसके बाद हम बताएंगे। अच्छा, लाली तुमको तो पता है कि रत्ना का ब्याह होने वाला है और हम भी वचन दिए हैं कि हम रत्ना की खुशी के लिए कुछ भी करेंगे, तो इसलिए तय हुआ है कि इसलिए हम भी मना नहीं कर पाए हैं। लाली जब तक का ब्याह नहीं हो जाता तब तक तुमको नौकरानी बनकर रहना पड़ेगा। नौकरानी बनकर रहना पड़ेगा। नौकरानी बनकर रहना पड़ेगा। नौकरानी बनकर रहना पड़ेगा। देखो लाली, हमको बहुत बुरा लग रहा है लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। तुमको हमको वचन देना होगा कि जब तक ब्याह नहीं हो जाता तब तक तुम कोई ऐसी बात नहीं कहोगी या कुछ ऐसा नहीं करोगी जैसे रत्ना को तकलीफ हो। वचन दो। वचन देते छोटे ठाकुर, कुछ नहीं कहेंगे। लाली हाँ, तुम कुछ कहने वाली थी। लाली हाँ, तुम कुछ कहने वाली थी। कुछ नहीं छोटे ठाकुर, जब बात कहना था वो पत्नी अपने पति से कह सकती थी, नौकरानी मालिक से नहीं। लाली तुम कौन बात नहीं छोटे ठाकुर, हम जानते हैं आपको कितना फर्क पड़ रहा होगा, बाकी हमारी चिंता मत कीजिए, हमको कोनो फर्क नहीं पड़ता। पहले भी तो नौकरानी न थे और उससे ज्यादा हम कभी अपने आप को कुछ समझे भी नहीं,
हमरे चिंता मत कीजिए। हो सके तो हमको माफ कर दे। ख्वाब की महल टूट कर गिरे, घेरे मुझे अंधेरे, मुड़ लूंगी मुँह तुम पे हक उसी का है जिनसे फेरे। जन्म जन्म के रिश्ता को कहा हो गया छोटे ठाकुर। कहा हो रहा सत्यानाश? आता काम पर आए हवेली में। हाँ, कौन करेगा ये सब? साइकिलिया में बैठ, चल हमरे साथ, कहानी इतना काम है, चल। सत्यानाश, हमका आंख दिखा रही हो? हमका सूजा कोच देंगे? शेखर नाम का तोता उड़ गया ना हाथ से, बहुत चपती थी, राम राम राम, अब देखे ना कैसे घुसी हवेली में, काट दिख गई ना ठकुराई। रखेल से बनी बीबी और बीबी से बनी नौकरानी। नौकरानी, आओ आओ, चलो बहुत काम है हवेली में, आओ। रानी, नौकरानी, ननन की हल्दी में भौजा ही गायब, छोटी दुल्हन यहाँ नजर नहीं आ रही। अरे गहना गुड़िया में उजड़ाई होगी, उनको देश दुनिया से काम मतलब। अभी आती होंगी। ए फुलिया, हल्दी पिसाए में कितना देर है? बस थोड़ी देर ठकुराई। अच्छा बुचिया, गौरी गणेश का नाम लो, आज तुम्हारी हल्दी है, तुमने शादी की शुभ शुरुआत है। हल्दी सब रोग नाशक है, इससे देह मन पवित्र होता है, इसके बिना तो शादी के मंडप पे बैठना भी शुभ नहीं माना जाता। देखिए देखिए, बबुन जी की हल्दी हो रही है, पूछ रही है सब, इतना काम कराएंगे क्यों खुद ही हल्दी जो ऐसी हो जाएगी पीली। चले लीजिए ठकराइन, हम ले आए छोटकी दुल्हन को, बाकी यार ना को तैयार नहीं थी, हम बहुत पैर पड़े मिनती के सो आई। अरे ईका, शादी ब्याह का घर है, छोटी दुल्हन को तो देखो, बिना साज श्रृंगार के। ऊब
वो छुटकी दुल्हन अभी तक आराम कर रही थी ना, एलिए माँ जी वो हम आराम नहीं कर रहे थे, काहे कि हमरा मन तो किया था कि हम पबनी जी के साथ आकर बैठे, फिर हमको लगा कि हमको हमारा चेहरा नहीं दिखाना चाहिए। अरे छुटकी बाजी यहाँ बैठी है ना हमारे पास, देखिए यहाँ आप नहीं रहेंगी तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। नहीं बबुनी जी, हमारा मन ही नहीं लग रहा है और हम बैठेंगे ना तो कुछ ना कुछ खराब ही होगा हमसे। हाँ बहू जी, अगर आप नहीं बैठेंगी तो खराब होगा। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? अभी थोड़ा देर में सब मेहमान लोग आते ही होंगे, वो कहाँ सोचेंगे हमको ऐसे देखे, इतना सिंगार, खुला बाल, अब उन सबको क्या पता कि हमारा रिश्ता तो कहना गुड़िया से कुछ और रहा ही नहीं, सब हम पे मनी मन हंसेंगे। यही लिए तो हम कह रहे हैं गाना पहनिए ना, औरत भी कौनो बिना साज सिंगार के अच्छी लगती है का। नहीं बबनी जी, आप सही कह रहे हैं, हम तो साज सिंगार करने के लायक ही नहीं, काहे कि यह हमी हवेली की बहू जरूर है, बाकी हम किसी की बीवी नहीं है। ऐसा काहे कह रही हैं बहू जी? देखिए शेखर भैया भी यही चाहते हैं कि आप साज सिंगार करके रहें, खूब बनठन के रहें। ए शेखर भैया जरा यहाँ आइए ना शेखर भैया। शेखर भैया छुटकी बहू जी से कहिए ना कि अपना गहना गुड़िया वापस से पहन ले। अब मियाँ बीबी में तो ये सब चलता ही रहता है। चलिए आप लोग को कोबर दिखा के लाते हैं। चलिए अक्सर वाली देखो कुछ। गंगिया तू जरा देख तो उधर, मंसूर अपना सारे सामान लाया कि नहीं? जा आप लोग आइए। देखो सिद्धेश्वरी घर में ब्याह है, ऐसा कुछ मत करो कि किसी को कुछ बोलने का मौका मिले, अच्छा नहीं लगता। अच्छे से पहन ओढ़ कर बैठो, पहले की तरह अच्छे से सज धज कर कहीं नहीं रहती हो। अरे शेखर भैया ये कौन सा तरीका है मनाने का, हमारी छुटकी बहू जी ऐसे नहीं मानेंगी, आपको तो अपने हाथ से इनको गहना पहनाना होगा तभी मानेंगी, है ना बहू जी? अरे का जबरदस्ती मत करो रत्न, ये कौन बात हुई? तो हम जबरदस्ती नहीं करेंगे पर बहू जी तो आपसे ही गहना पहनेंगी, क्यों बहू जी? हम काहे पहनाए, खुद ही ना उतारी थी तो खुद ही पहन ले। हाँ तो कहीं ना पहनाने से जौन कुछ किए हो ठीक हो जाएगा का? और वो चिरैया जिसको बीवी बनाकर बैठे हो वो शांत बैठी रहेगी? ठीक है आप दोनों एक दूसरे से ऐसे ही मुंह फुलाई रहिए, हम भी कह दे रहे हैं कि हम हल्दी नहीं लगवाएंगे।
की दुल्हन, अगर आप बुरा नहीं माने तो हम आपको एक गहना पहना दें। वैसे भी तो ये सब हमारे कारण हुआ है ना। अब हमें से ना गुस्सा है, तेरे को मौका तो दीजिए अपना गलती सुधारने का। अभी तुरंत गाना पहना देंगे। करे सत्यानाश, फिर से कौनो ड्रामा करेगी का? बहुत सारा काम है, चल चल। सबसे पहले पोछा लगा। रुको, ये यहाँ की नौकरानी है ना, तो अब हम गहना तभी पहनेंगे जब नौकरानी हमको गहना पहनाएगी। सिद्धेश्वरी, आप छुटकी बहूजी पे काहे गुस्सा रहे हैं? क्या हो जाएगा अगर ये लाली उनको गहना पहना देगी? तो वैसे भी ये घर की नौकरानी ही तो है। ए, ए सत्यानाश, कुर्सी ले क्या? काहे जिनसे फेरे।